एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक IKEA फर्नीचर हॉल है। इस वीडियो में हम वार्डरोब्स, बेड्स, साइड टेबल, चेस्ट ड्रॉर्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो दिस वाज मी फर्स्ट टाइम शॉपिंग फ्रॉम IKEA, सो आई वुड लाइक टू शेयर द एक्सपीरियंस जस्ट लाइक दैट बिकॉज मैंने भी जाने से पहले बहुत सारे वीडियोज देखे थे। सो इस वीडियो में वी टॉक अबाउट द बजटिंग, ऑर्डर कैसे करना है, घर पे कैसे आता है, अरेंजमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। So if this interests you, then please keep on watching. Before going ahead, I just want to tell you that मैंने online कुछ भी शॉप नहीं किया है। I went to Navi Mumbai का IKEA and purchased everything over there only. Okay, so let's begin with wardrobes and so as I said कि आप आपके wardrobes customize कर सकते हो। So वहाँ पे जब आप जाते हो वहाँ पे बहुत सारे options है and they have also sections जहाँ पे सिर्फ दरवाजे रखे हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ shelves रखे हुए हैं and drawers रखे हुए हैं। सो वॉट यू हैव टू डू इज व्हेन यू गो, वहाँ पे पीसीज रखे होते हैं। इफ यू कैन कस्टमाइज खुद से ही, आप आपका कबर्ड खुद ही बना के उनको दिखा सकते हो दैट दिस इज व्हाट यू वांट। एंड इफ नॉट, वहाँ पे उनके लोग होते हैं, यू कैन टेल देम दैट यू नो व्हाट हैज टू बी द विड्थ ऑफ योर वॉर्डरोब, व्हाट ड्रॉर्स यू वांट, आपको डोर कैसा चाहिए, कुछ भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। सपोज आई वांटेड कि ये जो है वो सेम है पर इसका जो डोर है वो सेम मिरर है, सो यू कैन डू एनीथिंग। तो आप उनको बता सकते हो और वो करते जाते हैं उसको। एंड एज यू ऐड थिंग्स, एज यू डिक्रीज थिंग्स, प्राइस ऐड एंड डिक्रीज होती रहती है एंड आपको फिर आपकी फाइनल प्राइस वहाँ पे फ्लैश होती है कि यू नो आपको ये वॉर्डरोब कितने में पड़ रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट्स नॉट दैट हार्ड, बहुत ईजी है। इनफैक्ट आपको इट्स बेटर दैट यू कैन कस्टमाइज। आप जहाँ चाहते हो वहाँ पे ड्रॉर लगा सकते हो, जहाँ पे हैंगर्स चाहिए वो कर सकते हो, एनीथिंग कैन बी डन। सो दिस इज अ वॉर्डरोब दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ। जब मैं स्टोर में गई थी ये सेम वॉर्डरोब वहाँ पे था बट ये इतना सा ही था, इट इज वेरी स्मॉल, सो हमने इसको थोड़ा बढ़ा के ले लिया है। आप यहाँ से इसको खोलते हो एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे ये प्लेन ही चाहिए था। इफ यू कैन सी यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है, सो यू कैन ऐड हाउ मेनी योर शेल्व्स यू वांट। यहाँ पे मैंने दो ड्रॉर्स लगा के लिए है एंड आई एम गोना प्लेस द ऑर्गेनाइजर ऑफ हियर एंड ऊपर वो शेल्फ जो है वो हमने ऐड किया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। वो साइड भी सेम ही है। द क्वालिटी दैट IKEA इज गिविंग यू फॉर द फर्नीचर इज रियली रियली गुड। आई लव द क्वालिटी ऑफ द वॉर्डरोब, एवरीथिंग इज रियली नाइस। इट्स जस्ट दैट ये वाइट कलर में है और इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो जब ये लोग आए थे लगाने के लिए उनके हाथ यहाँ पे लग गए एंड इट्स लुकिंग रियली बैड। सो इसको वो करना पड़ेगा, आई हैव टू क्लीन इट नाउ एंड आई थिंक आई हैव टू क्लीन इट एटलीस्ट वंस अ वीक बिकॉज ये वाइट है। सो दैट्स द ओनली ड्रॉबैक ऑफ द कबर्ड बट आई रियली वांट इट वाइट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज रियली गुड, लाइक बाकी कोई कंप्लेन नहीं है। Was the chest drawers. This is how it looks like. These are 4 chest drawers. Again, they're in white because I wanted the white theme. So these are really good. ये सब सामान हटेगा तो इस पे you can keep a lot of things. I'm gonna use this more like a dressing table. So yeah, these are really good. The quality is really good. इसमें बहुत सारा storage की जगह है. I've also got an organizers to keep in this and yeah, I mean I love this. ये मुझे पता ही था मैं लूँगी because इस पे मेरी नज़र बहुत पहले से थी. They look really really good. So the next thing that I picked up was this mirror that I absolutely love. The quality is really good and पीछे उसका कुछ ऐसा scene है. You have hangers over here, you can hang your clothes or whatever, bags, whatever you want to, and it just takes a little extra space for some reason and baki it's really good. So this is the wardrobe we got for the master bedroom and I love this piece. It's such a good one. Abhi isko khol ke I'll show you अंदर से कैसा बनाया है. So इसमें ये 4 ड्रॉज है नीचे जो काफ़ी बड़े हैं, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड दीज आर द बास्केट वंस एंड ये बहुत बड़े हैं. इफ़ यू वांट यू कैन इवन गेट हाफ साइज, लाइक जो इतना ही आता है दैट साइज इज ऑल्सो अवेलेबल. इफ़ यू वांट द ग्लास वंस यू कैन पुट द ग्लास वंस, एनीथिंग दैट यू वांट कैन बी डन. एंड ये ऊपर से ऐसे दिखता है एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स. लेट्स सी व्हाट्स ऑन द अदर साइड. तो यहाँ पे कोई ड्रॉज नहीं है, कोई हैंगर के लिए स्पेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शेल्व्स है और शेल्व्स आर द मोस्ट यूजफुल थिंग बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें रख सकते हो. एंड एज यू कैन सी द साइज इज़ ह्यूज, लाइक बहुत ज़्यादा स्पेस है एंड इनफैक्ट सामान उतना है नहीं, स्पेस बहुत ज़्यादा है. So yeah, this is a really huge wardrobe and very, very useful. Coming to the next room, यहाँ पर भी सेम wardrobe है but ये बेज कलर में है while that one was grey. इसका framing बाहर से सेम है पर अंदर से अलग है. So when you open this, we have same rod over here, ऊपर का सेम है but नीचे यहाँ पे दो shelves है while वहाँ पे सारे drawers थे. And here we have this glass drawer and यहाँ पे सारे organizers में सब कर दिया है मॉम ने already. And this is how it looks. Three side में again यहाँ पे भी बड़े बड़े shelves है. Too much space here. As you can see, we have a glass drawer and the basket one. Okay, so the next piece of furniture that we got was this bed, जो plain white है, but it's such a गुड वन, बहुत अच्छा दिखता है. एंड दिस इज़ इन क्वीन साइज. दोनों रूम्स में हमने सेम ही बेड लिया है. एंड दिस हैज़ हाइड्रोलिक स्टोरेज नीचे से जो यहाँ से खुलता है. आई कैंट ओपन इट राइट नाउ बट आई शॉर्टली इंसर्ट अ पिक्चर कि कैसा है. एंड या इट गोज रियली वेल विद द कबर्ड ऑल्सो एंड बोथ द थिंग्स लुक रियली गुड. सो यहाँ पे एक और चेस्ट ड्रॉर्स का सेट है जो सिर्फ 3 ड्रॉर्स है और ये ब्लैक कलर में है बट ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है. इसके साथ भी सेम ड्रॉर्स आते हैं. बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी है एंड दे आर रियली रियली गुड. एंड एज अ सेट IKEA का फर्निचर थोड़ा मेंटेन करना है, इसके ऊपर जल्दी से धूल वगैरह बैठ जाती है बट या Anyways, overall a really really good piece. So जो next thing हमने खरीदा है वो ये white table है जो काफ़ी अच्छा है. Actually हमने white लिया क्योंकि हमारा पूरा theme black and white ही है. So ये table बहुत अच्छे से जा रहा था डेकोर के साथ. इसके साथ बहुत ज़्यादा storage आया है. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े drawers है ऐसे और यहाँ पे भी 3 shelves दिए हुए हैं. बहुत अच्छे है ये भी. And yeah, overall this piece is really nice and well used. Was this crockery unit which is again black in color. जैसे मैंने बोला कि हमारा थीम थोड़ा black white grayish है तो ये इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा है. ये इतना लंबा है and when you open बहुत ज़्यादा storage दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसके साथ 2 doors है ऐसे and it's very sturdy. बहुत ही अच्छा piece है as per the price. So yeah, it's a really really nice good. So the next piece we have here is this huge study table जो black color में है. Actually it's not black, it's really the darkest brown color and it's very nice. Like बहुत decent piece है. If you can see maximum तो ये खुला है but फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है. इसके साथ ये 5 drawers आते हैं जिसमें सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा है. लाइक स्पेस वाइज बहुत छोटा है एंड एज यू गो नीचे नीचे बढ़ता जाता है स्पेस. इसमें सबसे ज़्यादा प्लेस है एंड या इट्स रियली नाइस पीस. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव हियर इज दिस साइड टेबल. इस सेम पीस में वाइट कलर भी अवेलेबल है बट ही हैज़ टेकन ब्लैक टू मैच विद द स्टडी टेबल. सो या इट डज लुक वेरी नाइस एंड इसमें भी काफ़ी अच्छी जगह दी गई है और दिखने में भी ये बहुत अच्छा है. Thing I got was this clothing rack. It's really 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 nice. It also has a place to place all your footwear. You can actually place whatever you want but footwears के लिए अच्छा लग रहा है. These hangers do not come along and इसको आप adjust कर सकते हो. यहाँ पे दिया हुआ है ये. So you just have to press this on both the sides and take it जितना आपको ऊपर चाहिए उतना. अभी के लिए I've kept it over here. And this is how it looks. बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है and I think I paid around 1200 for this and it's really really good. चीज़ें सिलेक्ट करोगे जो आपको चाहिए. सपोज ये वार्डरोब आपको चाहिए, सो यू जस्ट टेल दैट पर्सन दैट दिस इज अ वार्डरोब यू वांट टू ऐड इट टू योर कार्ट और यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज. सो जो भी बिल है वो आपको एक स्लिप देंगे जहाँ पे सब डिटेल्स होते हैं. नाउ यू कैन गो टू अनदर प्लेस. सपोज दिस मिरर आई वांट टू लुक एट. So मिरर का अलग काउंटर होता है, so उधर जाके मुझे टेल देम यू वांट टू ऐड दिस मिरर टू द सेम बिल, वो आपको एक ही बिल उसी बिल में मिरर ऐड करके स्लिप दे देंगे। सो आपका सब एक ही बिल में आ जाता है। तो फिर वो बिल्स लेके नीचे जाओगे, यहाँ पे यू कैन डू योर पेमेंट। फुल पेमेंट के बाद ऑल योर थिंग्स विल कम इन ट्रॉली के सीन में सब आपको मिल जाता है। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द ट्रांसपोर्ट थिंग। IKEA इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर getting your things to your home, that you have to arrange on your own. So वहाँ पे नीचे लोग होते हैं, बाहर भी लोग होते हैं, so to talk to them, tell them how much stuff you have और कहाँ पे लेके जाना है, they'll give you an idea कितना कितना होता है, आपको वो खुद ही arrange करना होता है basically। IKEA does not do that. Apart from that, आपका ऑर्डर पेमेंट होने के बाद ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगता है। सो दे हैव गिवन दिस होल काउच एरिया जहाँ पे एक स्क्रीन होती है, आपका नंबर वहाँ पे फ्लैश करता है कि आपका अभी इन प्रिपरेशन है कि हो गया है, व्हाटएवर इट इज। सो देयर इज अ वेटिंग पीरियड एटलीस्ट फॉर एन आवर, बिकॉज उनको टाइम लगता है सारे बॉक्सेस निकाल के स्टैक करने में। सो इट टेक्स टाइम। हमारे बहुत सारी चीज़ें थे, एंड प्लस द गुड पार्ट वाज एवरीथिंग वी परचेज दैट डे वाज इन स्टॉक। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ नहीं भी होती है स्टॉक में, सो यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। सो या द गुड थिंग वाज कि सब स्टॉक में था, तो हमको अराउंड 1 आवर वी वेटेड। एंड इट्स चिल कैफेटेरिया है, आप कॉफ़ी ले सकते हो, टाइम पास करके चिल कर सकते हो, वहाँ पे टाइम चला जाता है। देन ऑल योर ट्रॉलीज विल कम, दे विल हेल्प यू गेट इट टू द योर पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बाद आपको सारी चीज़ें घर पे डिलीवर कर देंगे। आफ्टर दैट अगेन IKEA इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग योर फर्नीचर, वो भी आपको खुद ही करना होता है। ईदर यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, बट ट्रस्ट मी ये बड़ा फर्नीचर इज नॉट पॉसिबल कि हम खुद करें, इट हैज़ टू बी डन बाय प्रोफेशनल। सो ओपन क्लैप पे सारी चीज़ें लिस्टेड आप ऐड करते जाओ, वार्डरोब कितने हैं आपके, सबका वो आके सब असेंबल कर देंगे। So for me to assemble all the three wardrobes, beds and everything took 2 days. So 2 पूरे दिन लगे for those people to come and fix everything. One wardrobe takes at least 3 hours to fix it. So आप इस हिसाब से आपका planning कर सकते हो। Does take a lot of time. मैंने कुछ भी physically खुद से नहीं किया है, वो लोग आए थे, वो उन्होंने सब कर दिया। Charges urban lab पे आपको सब दिख जाएगा कि wardrobe के कितने charges है, time भी दिया हुआ है। सो आप उस हिसाब से कर सकते हो। सो व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग ऑल योर फर्नीचर एक्सपेंसेस, यू ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट योर ट्रांसपोर्ट एंड असेंबलिंग चार्जेस, बिकॉज वो काफ़ी हैवी होते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। और इसमें फिर फर्नीचर असेंबल कर दिया उन्होंने, एंड या दैट्स दैट। आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट अगर आप कभी IKEA जाओ, डू नॉट फॉरगेट टू check out the restaurant and try the food. It is so well organized and the food is also really good. Plus the overall restaurant experience is also really nice. So yeah, do not forget to go and check that out. And yeah, that was it for today's video. I just hope आपको ये video पसंद आया है and it was a bit helpful. अगर आपके लिए helpful था, then please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye bye.